यू, शुक्रिया सिद्धुबाली। कहते हैं परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है, और जो भी चीज बनी है वो समय के हिसाब से बदलती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जैसी रहती हैं वैसी रहती हैं, वो बदलती नहीं बिल्कुल। एवरग्रीन, मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा द एवरग्रीन एवर यंग एक्टर मिस्टर अनिल कपूर। भाजी आपसे सबसे पहले तो एक बात पूछनी मुझे, जब मैं छोटा था ये तब भी जवान थे, मैं जवान हो गया ये अब भी जवान है, मुझे शक है जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ये तब भी जवान रहेंगे, अब मानते क्यों नहीं? अरे सर अभी क्या बताएं सर, टांगे वांगे सब गई हैं अभी। नहीं नहीं सर ये तो सच्ची कह रहा हूँ सर, ये आपस की बात है, जब घर पे जाता हूँ तो फिर ऐसे ऐसे मगर जब पब्लिक होती है कहते हैं दिल को छू लेने वाला हुनर यहां किसी किसी के पास है, माया नगरी की माया आती किसी किसी को रास है। थैंक यू ऑनर सर। पाजी अनिल सर को देख के लगता है जैसे इन्होंने अभी अभी अपने करियर की शुरुआत की है, लेकिन हालांकि सब जानते हैं कि करीब करीब पाजी 4 दशक से इस इंडस्ट्री में है। सर आपको क्या लगता है कि आपके अलावा कोई और चीज हमारी इंडस्ट्री में जो आज तक नहीं बदली है? ये शो मेरे ख्याल से ये भी 40 साल चलेगा। मैं आप कह रहा हूं सर, ये थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉमेडी नाइट्स भी एक ऐसा शो है जो मुझे हो गया अभी मेरे ख्याल से दिस माय 4th decade, ये उसे आगे जाने वाला। हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच सर। ये बिल्कुल ठीक कहा सर ने, ये हिंदुस्तान की रूह है, रूह ये शो, इट्स अ हैबिट विद दिस कंट्री। जैसे शरीर रूह के बिना नहीं रह सकता, वैसे हिंदुस्तानी कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के बिना नहीं रह सकता। अरे सर ये दुआएं सर लोगों की, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए। उस समय आप कौन सी चीज को मेन रख के चलते हैं कि यार मुझे ये स्क्रिप्ट पसंद है या डायरेक्टर है या हीरोइन है, मतलब क्या देखते हैं आप? आप सच जानना चाहते हैं? सच जानना चाहते हैं सर, जनता सच जानना चाहती है। जनता, हां आपस की बात बोलूं जी? वेरी नाइस, सीक्रेट खोल दे हमारे साथ भी। नहीं कुछ नहीं कहते, कुछ खास नहीं उन्होंने कहा। उन्होंने कहा भी ऐसी बात नहीं है, स्टोरी जो होती है डायरेक्टर होते हैं वो सब जरूरी होते हैं, पर जो मेन चीज होती है पैसा। क्योंकि घर से जब निकलता हूँ तो एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है। अच्छा किससे इंस्ट्रक्शन दी जाती है, कौन देता है इंस्ट्रक्शंस? जाहिर सी बात है सर, वाइफ जी, ठीक है ना। तो घर संभालना है, बच्चों को संभालना है, पत्नी को संभालना है, तो पैसों की तो जरूरत पड़ेगी। वो कह देती है कि देखो स्टोरी से कोई ऐसे सोचना प्रिटेंड करना कि स्टोरी क्या है फिल्म की, इसका स्क्रीन प्ले डायरेक्टर कौन है इसका, हर चीज के बारे में इतने सीरियसली बात करना और अंदर ये सोचना कि पैसे कब मिला वो फेस भी नहीं आना पर ये सर ने ऐसे हंसी मजाक में भले ही बोल दिया हो, सच्चाई भी होगी कुछ इसमें, पर आज तक जितनी भी आपने फिल्में की सर, आपने बाग कमाल फिल्में की हैं, मैंने आपकी जितनी फिल्में देखी हैं हमेशा हमें उनमें एक नया अनिल कपूर देखने को मिलता है। अनिल सर आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां अनिल सर के लिए। सर परिंदा फिल्म का जब शूट चल रहा था उसमें एक सीन था जिसमें जैकी श्रॉफ साहब आपके जो किरदार निभा रहे थे उनको एक थप्पड़ मारते हैं, तो डायरेक्टर ने एक ही टेक में सीन ओके कर दिया, लेकिन अनिल सर ने कहा कि नहीं मुझे उसके रीटेक करने हैं, और ऐसा कर करके उस सीन के शायद 32 रीटेक आपने किए। सही बात। तो सर किसिंग सीन होता तो मेरे समझ में आ रहा है कि चलो रीटेक हो रहा है तो अच्छा लग रहा है, एंजॉय हो रहा है, इसके रीटेक क्यों सर? कि मैं जो भी करता हूँ यू नो आई वांट इट लुक वेरी रियल, मैं चाहता हूँ कि वो ऐसा लगे कि एक्चुअली मैंने थप्पड़ खाया। अरे वाह। और वो फील हो, गाल लाल हो जाने चाहिए। तो आपने जैकी साहब को तो थप्पड़ देखा हुआ है, हाथ देखा हुआ है, इमेजिन कर लो जैकी श्रॉफ साहब ने मुझे कम से कम 20 से भी ज्यादा थप्पड़ मारे, मगर किसी में भी ऐसा कर चुका हूँ 1942 लव स्टोरी में, कुछ 18 रीटेक मेरे किसी के भी किए थे। थप्पड़ से दो कम। तो इस बात से साफ जाहिर होता है कि अनिल सर बेहद ही शरीफ इंसान है, क्योंकि थप्पड़ के उन्होंने 20 रीटेक किए और किसिंग के सिर्फ 18 किए सर, 2 नंबर कम बदमाश। अच्छा सर एक बात बताइए, जैसे आपने कहा कि मैं उसको रियल लगना चाहिए, तो मैंने 20 थप्पड़ खाए भी उस सीन को करने के लिए, तो जब आप गुंडों को मारते हैं
ज्यादातर तो आप मारते ही हैं, तो उनके लिए भी फिर आप रियली चाहते हैं कि हो? नहीं नहीं, वो नहीं करता हूं। मैं मार खाता हूं रियल। अच्छा, सिर्फ एक ही एक्टर को मैंने मारा आज तक। किसको? गुलशन ग्रोवर को। उसको मैंने जेन्युइनली मारा, इसलिए मेरा नाम बहुत खराब किया। क्या हुआ कि हम लोग क्लास में साथ में थे जी, और वो हमेशा विलन बनना चाहता था। मैं चाहता था कि वो विलन नहीं बने, मैं चाहता था कि वो कॉमेडियन बने जी, मगर वो हमेशा विलन बनना चाहता। तो एक फिल्म हम लोग राम लखन कर रहे थे, वो बैडमैन का रोल कर रहा था, तो मुझे मौका मिला कि उसको मारना था, तो मैंने एक्चुअली मार दिया। अभी हाल ही में जैकी सर यहाँ पे आए थे थोड़े दिन पहले, तो उन्होंने उस फिल्म के बारे में और आपके बारे में काफी कुछ शेयर किया था, आपको दिखाते हैं। जैकी साहब ने बहुत सारे जो हीरो हमारी इंडस्ट्री के, उनके बड़े भाई का रोल किया। सर एक टाइम पे मुझे पता क्या लगने लगा था, अनिल सर के साथ आपने इतनी फिल्में की, अनिल कपूर साहब के साथ, मुझे सच में लगता था दोनों भाई हैं, पर ये श्रॉफ क्यों लिखते हैं, वो कपूर क्यों लिखते हैं, मैं ऐसा सोचता था। हाँ, मुझे इतना मतलब आपकी सर काफी केमिस्ट्री होगी अनिल सर के साथ। बड़ा इतने सारे के माधुरी जी को भी जरा कॉन्शियस हो गई थी वो, कि ये दो का पैर ज्यादा हो रहा है हमारे से, कुछ ज्यादा 12 पिक्चर हो गए साथ में। तो सर ये सच्ची है कि आप मतलब लोगों का ये मानने लगे थे लोग कि माधुरी दीक्षित से ज्यादा अनिल कपूर जो है वो जैकी श्रॉफ के साथ अच्छे लगते हैं, ये क्या बात हुई? पर सर ये सही बात है, माधुरी जी को भी कॉम्प्लेक्स आ गया था कि ये ज्यादा जोड़ी आने लगी है। नहीं नहीं, वो बात बिल्कुल, ये मैं तो देखो कंफर्टेबल तो मैं आपके साथ भी हूँ, सिद्धू साहब के साथ भी हूँ, और मैं कंफर्टेबल जैकी साहब के साथ भी था, मगर डेफिनेटली जो मजा जो माधुरी जी के साथ काम करने का था वो ऑब्वियसली जैकी साहब के साथ तो नहीं है, क्योंकि देखिए मतलब आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन जो मजा जो आपको आता है वो माधुरी जी के साथ, क्योंकि यू नो जैकी साहब की मूछें हैं, मेरी भी मूछें हैं, तो और भी हैं कुछ क्लिप्स, प्लीज दिखाइए जरा। हमारी जवानी आनी नहीं, इनकी जानी नहीं। एक परिंदा पिक्चर थी, परिंदा पिक्चर के अंदर मुझे बुलाया गया था एक रोल के लिए, तो अनिल कपूर साहब आए और बोला कि एक बहुत अच्छा रोल है, मेरे बड़े भाई का रोल है। मैं बोला हाँ, तू ये करते करते मेरे को इंडस्ट्री से निकाल देगा, ताकि तू हमेशा चूजा रहे, और ये बड़ा भाई, ये मेरा बड़ा भाई है। बाद में अनिल ने मेरे को बताया, बोला मैं तेरे को इसलिए लिया था क्योंकि नसीर भाई मेरा बड़ा भाई बनने वाला था, वो मेरी बैंड बजा देता और तू एक डफर एक्टर, मगर तू एक डफर एक्टर तो मैं तुझे ले लूं, तो वो रोल मुझे दिया गया था अनिल भाई का, बड़ा भाई का रोल। सर ये आपकी चाल थी उनको बड़ा भाई बनाने की? मैंने बड़ी मेरी चाल थी, मगर मैं उस चाल में नाकामयाब रहा, क्योंकि जब फिल्म फेयर अवार्ड, बाकी जब जितने भी अवार्ड अनाउंस हुए, तो जैकी श्रॉफ को मिले, मुझे नहीं मिले। जिंदगी में एक बात याद रखना, किसी के बारे में कभी बुरा नहीं सोचना और किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, तो मैंने इन्हें अंडर एस्टिमेट किया और उन्होंने और ऐसा ही उनका भी कुछ मानना है, उन्होंने भी अपने अंदाज में कुछ कहा, दिखाई जरा। और जब पिक्चर लगी और मुझे अवार्ड मिला, तो उसने मुझे बड़ा गाली दिया। बोले यार मैंने तेरे को लिया था डफर एक्टर समझ के और तू ले लिया। आज भी बोलता है, आज भी वही बातें होती है। तो आपने देख लिया, मैं झूठ नहीं बोला। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ये तो पर अभी फ्यूचर में कभी मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। सर ये आपके बारे में सब जानते हैं कि आपने अलग अलग तरीके के किरदार किए, अलग अलग तरीके की फिल्में की, आपके दिल में कोई ऐसी चीज की यार ये ऐसी फिल्म मुझे करनी है और ऐसी हीरोइन के साथ करनी है, मुझे कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा भी आपके दिमाग में चलता रहता है? नहीं देखिए, ऐसे तो रोल्स बहुत ही हैं जो मैं करना चाहता हूँ, मैं वेट नहीं करता हूँ। अच्छा, यू नो वेट नहीं करता हूँ कोई आके मुझे रोल ऑफर करे या कोई मुझे डायरेक्टर मेरे पास आए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं डायरेक्टर से खुद बात करता हूँ, राइटर से खुद बात करता हूँ, यार यू नो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, एंड मुझे उसमें बिल्कुल शर्म नहीं है। मैं कभी कभी काम भी मांगता हूँ, मुझे आज भी उसके बारे में किसी के साथ मुझे काम करना है, जैसे आपके साथ मुझे काम करना है। हर फिल्म में मैंने आपको, हर फिल्म कौन सी फिल्म है जो मैंने आपको ऑफर नहीं की? वो ये अलग बात है कि आपने हमेशा मुझे ना किया। नहीं सर, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये सर ये मेरे लिए ऑनर की बात होगी अगर मैं आपके साथ काम कर सकूं। आप बताइए, आज आप ऑडियंस को बता दीजिए कि मैंने आपको कौन सी फिल्म में बताता हूं। सर ने मुझे ये इनका प्यार है मेरे लिए, और सर मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं इस चीज़ की। मुझे सर एक बार तो किसी डायरेक्टर के ऑफिस से फ़ोन आया था कि अनिल सर ने आपका रेफरेंस दिया है, उसमें लंदन में कोई फिल्म शूट कर रहे थे, तो उस समय भी तब मैं कोई और शो कर रहा था, उसमें बिजी था। फिर जब 24 के लिए सर ने मुझे बुलाया,
अच्छा मैं एक और बात बताना चाहूंगा, पूरी इंडस्ट्री में आज तक मेरा जो लोग जितने मुझे जानते हैं वो सब लोग मुझे सिर्फ एक कॉमेडियन के तौर पे देखते हैं। सर ने मुझे विलन का रोल ऑफर किया था अब क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान कॉमेडी कर सकता है, कि कॉमेडी इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉनर जी, जो आदमी कॉमेडी कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। अगर आप कॉमेडी कर सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दिस इज माय फीलिंग। जो आदमी टेस्ट मैच में ओपन कर सकता है वो किसी भी नंबर पे खेल सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही है, वैसा ही है। लेकिन आप लोगों का मानते हो ना कि ये लोगों की धारणा बन जाती है, जैसे मैंने अभी ये बात इनके साथ शेयर की, कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो हंसाना हो, सब कुछ कपिल विनम। तो नहीं 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 ऐसा नहीं, ऐसा मैं नहीं ऐसा, आप नहीं ऐसे ना सर, आप अलग हैं, इसीलिए आप अनिल कपूर हैं ना, वो मांगीलाल बैठे हुए नीचे। कहीं ना कहीं हर चीज मेरे ख्याल से ऊपर से जी जी प्लान होती है और वो आपकी डेस्टिनी में लिखी रहती है जी जी। तो शायद हमारे यू नो हमारे करियर में, हम दोनों के करियर में एक ऐसी चीज है जो हम दोनों मिलकर करेंगे, जो लोग याद करेंगे सर, और वो मजेदारी होगी सर, मजेदारी होगी। जब भी कभी जिक्र होता है सर किसी के साथ भी आपको लेकर, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के काफी सारे लोग जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं हमारे शो में, लेकिन किसी ना किसी तरीके आपका जिक्र होता है, सब आपकी तारीफ ही करते हैं। आज तक मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, किसी ने आज तक ये नहीं बोला कि नहीं नहीं उनकी ये बात अच्छी नहीं, सब आपकी तारीफ करते हैं। यहाँ पे अमृता सिंह भी आई थी, आपने उनके साथ भी फिल्में की हैं, चमेली की शादी और साहेब फिल्म, उन्होंने भी आपके बारे में बड़ा अच्छा अच्छा बोला, या प्ले किया जाए जरा। मैं आपको एक बात बताऊं, अमृता जी का कपूर फैमिली से बड़े पुराने संबंध है, आपके चाचा जी अनिल कपूर साहब जी, उनके साथ आपने एक बड़ी बेहतरीन फिल्म की थी, ट्रेंड सेटर थी वो फिल्म, चमेली की शादी जी। उस समय का कोई किस्सा बताइए कुछ, क्योंकि आपने दोनों पीढ़ियों के साथ काम कर लिया, अनिल जी के साथ भी और अभी अर्जुन आपके बेटे का। दोनों बहुत मेहनती है, चाचा भतीजा दोनों बहुत मेहनती है। हाँ लेकिन हाँ लेकिन अनिल सर की बात कर रहे कॉन्सियंशियस, और मैं बिल्कुल ऐसे अरे डायलॉग याद नहीं हो रहा, अरे ये नहीं हो रहा। और बासुदा हमारे जो डायरेक्टर थे बहुत सीरियस एंड वेरी गुड डायरेक्टर, तो उनको लगा कि ये क्या मेरे को ये डैमेज गुड मिल गया, इसको तो डायलॉग याद नहीं हो रहे, इससे तो सीन नहीं होगा। अनिल जब शॉट दे रहा होता था तो ऐसे ऐसे देखते थे अनिल को, यूं यूं करके। तो मैंने अनिल का नाम रख दिया था चेपू, जो आज तक मैं उसको। मेरे ख्याल से आज कुछ साजिश है, आप लोगों ऐसे ऐसे क्लिप्स बता रहे हैं, ऐसे कलाकार क्लिप्स बता रहे हैं, मेरी तारीफ तो कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अमिता सिंह जी का भी नाम मैंने ही रिकमेंड किया था। अच्छा, प्रकाश बेहरा साहब के साथ, तो मैं जिसका नाम रिकमेंड करता हूँ वो मेरी बैंड बजाते थे। पर सर इस बात में कितनी सच्चाई है कि आप आईने को देख के जो है काफी खुश हो जाते हैं, और आईने में देख देख के भी ऐसा कुछ कभी बाल सवार लिए, कभी देखते हैं कि सेल्फ ऑब्सेस्ड काफी है, ऐसे उनका कहना था। मुझे आप बताइए, कोई बंदा बताओ कि हिंदुस्तान या पूरी दुनिया में कौन सा ऐसा कलाकार है जो अपने आप से प्यार नहीं करता। अरे वाह, आपसे आपसे होना भी चाहिए सर, होना भी चाहिए। आप अपने आपसे करते तभी लोग आपसे करते, करते पर शीशे में देख के एक्टिंग करते वो ये बात में कितनी। मुझे बताइए कौन नहीं देखता। तो सर ये भी बात सच है कि आपके बेडरूम के चारों तरफ शीशे लगे हुए हैं। नहीं, बातें सर रूमर बड़े फैलते हैं ना बाहर। नहीं नहीं अभी चक्कर आपको एक किस्सा सुनाते कि मेरी जो पत्नी है वो बहुत ही दुखी हो गई है। पहले मैं कलाकार था जी, एक्टर था, तो मैं शीशे में देखता था, सुनीता यहाँ बैठी हुई है तो मैं जाता था, सुनीता यहाँ बात करिए, सुनीता बात करो मुझे जी। बोलो सुनो जी, शूटिंग पे कितने बजे जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ बस, कर दिया। उसके बाद सोनम एक्ट्रेस, सोनम तो सोनम, मैं सोनम हूँ, आप बोलिए। हाँ सोनम कहाँ जा रही हो? वो भी शीशे में देख रही है। अब मेरा बेटा भी हीरो बन रहा है।